काफी दिन हो गए थे चिकन खाए हुए, तो आज सोचा क्यों ना चिकन ट्राई करते हैं। तो आज नई रेसिपी ट्राई करते हैं, उस रेसिपी का नाम है चिकन मुमताज। तो इस वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा और आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि हमने वो कैसे बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। लहसुन छीला जा रहा है और इसको डाइस किया जा रहा है। इसके अलावा ये प्याज किए हुए हैं, टमाटोज। आज बना रहे हैं हम चिकन मुमताज। आज कढ़ाई में बनाते हैं, कढ़ाई में बढ़िया बन जाता है। बड़े दिनों बाद बर्तन निकलने लगे। ये निकल गई हमारी कढ़ाई, कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई। और ये मिलेंगे हम तो वॉश करेंगे। बहुत बढ़िया चीज है। हम चला देते हैं। पहले इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है चिकन में, बिकॉज चिकन और मसाले जो हैं उन्हें भूनना भी अच्छे से है। तो अभी पहले इसको करेंगे, ये वाले यूज करते अभी नहीं, बाद में तैयार रख देते। अब सबसे पहले ना इसमें हम डालेंगे प्याज। ऐसे आपने काटने हैं, ऐसे मोटे मोटे प्याज, ठीक है जी। और ऐसे ही मोटे मोटे हमने टमेटोज और मिर्चें करनी है। तो इसको भी करेंगे, तेल अभी गर्म हो रहा है, गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं प्याज डालूंगा। सारा प्याज डालेंगे और इसको हम हल्का सा ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। इसको हमने पूरी तरह से नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का हल्का सा करना है। अब ये हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगा टमेटो और बड़ी बड़ी कटी हुई हरी मिर्च, इस तरह से ये भी इसमें डालूंगा मैं। हमने इसको पकाना नहीं है, हमने सिंपल इसको शेड्यूल टाइप कर देंगे। और जितना ये बनाया ना, तो हमने इसको हम ऑयल में से निकाल के एक प्लेट में ढक के साइड में रख देंगे ताकि ये कूल हो जाए। ऑयल जितना अंदर हो सके उतना निकाल लेना और ऐसे इसको साइड पे कर लेना। इस तरह से हमने सारे के सारे टमेटोज प्याज हमने इसे निकाल के साइड में रख दिए। अब इसे कूल होने देंगे और जब तक ये कूल होएगा, हम जो ये तेल बचा है इसके अंदर मसाले वगैरह हम पहले भूनेंगे, जिसे हम खड़े मसाले कहते हैं, वो सब भूनेंगे और फिर चिकन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। ये हमने चिकन जो है अच्छे से वॉश करके रख दी है। ये चिकन हम इसके अंदर डालेंगे। तेल बच गया है, उस तेल के अंदर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि काली मिर्च और ग्रीन इलायची, उसी तरह से करी पत्ता। गर्म है और इसमें डाल देते हैं। ये मैंने डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अगर और भी कोई मसाला नहीं हो तो वो आप डाल सकते हो, मेरे पास वो सभी नहीं है। फ्लेम जो है वो मीडियम से ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। तक ये फ्राई होता है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दही जो है उसको फेंट लेता हूँ। हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के करीब। इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब हल्दी, स्वाद अनुसार नमक,
मैं भूल गया था कि रिस्क भी पड़ा है, इससे हम इसको इजीली कर लेंगे। देखो कैसा हो गया ना, इजीली जैसे क्रीम जैसा हो गया। अब इसमें हमने डाल ली काली मिर्च, कलर देखो कितने शानदार आ रहे हैं। भुना हुआ जीरा डाला हमने इसमें। अब देर देर से बता रहे, जल्दी जल्दी नहीं बता रहे। अब एक टाइम पे एक काम ही करते हैं। चलो एनी हाउ, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोबारा से। पहले प्यूरी डाल दी, फिर डालना थे। अब हम प्यूरी बना रहे हैं, जो हमने वो निकाल के रखा था ना टमेटो प्याज वगैरह, अब वो ठंडा हो चुका है। अब उसको हम मिक्सी में प्यूरी बनाएंगे, और पहले उसके बाद में मतलब हम ये प्यूरी इसमें डालेंगे। इसको मैं थोड़ी देर कवर कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और जो प्यूरी है इसमें डालने के बाद में अब इसको हम पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट, ताकि जो कच्चापन थोड़ा बहुत रह गया वो भी निकल जाए अच्छे से। थोड़ा सा हमने वाटर भी डाल दिए इसमें, ताकि ग्रेवी टाइप जो बन गई है इसकी वो ज़्यादा गाढ़ी ना हो, और कुकिंग होने में भी इसको थोड़ा इजी हो जाता है। ये थोड़ा कुक जब हो जाएगा फिर इसके अंदर हम विस्क किया हुआ तेल डालेंगे। अगर आपके क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हो, थोड़े मलाईदार सा बन जाता है। मलाई भी डाल सकते हो, पर हम इसमें अभी सबसे पहले डालेंगे दही, मगर अभी इसको थोड़ी देर होने देते हैं। थोड़ा सा हम गरम मसाला भी डाल देते हैं, और इसमें डलेगी साथ में कसूरी मेथी। अब चिकन बन रहा है तो उसमें मसाले तो ज़रूरी है, बिना मसाले के तो कुछ नहीं बनेगा। तो अब मैं आपको रिमाइंड दोबारा करा देता हूँ, वैसे तो आपने हेडिंग में पढ़ ही लिया है कि ये हम बना रहे हैं होम स्टाइल में चिकन मुमताज। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं आज हम दोनों, देखते हैं कैसा बनेगा। लगता है तुम्हें कैसा बनेगा? देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन करा अभी से खा लो उसे, पर अभी वो कच्चा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है। साथ में क्या बनाना है, राइस या चपाती? अभी देखते टेस्ट के अकॉर्डिंग। कुक होना स्टार्ट हो गया है, इसकी ग्रेवी भी अच्छे से डाल रहे हैं। कसूरी मेथी ये हमने डाल दी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। चिकन ही नहीं, और भी आप सब्जी वगैरह डालो उसके अंदर आप ज़रूर डालो। अब हम इसके अंदर कर्ड डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस टाइम पे आप इस पर क्रीम भी डाल सकते हो, और चाहो तो मलाई को फेंट के भी डाल सकते हो, मगर हम इसमें वो नहीं डाल रहे, उसके बिना बनाएंगे। है तो छोड़ो, हमने नहीं डालना। इसको थोड़ी देर मैं दोबारा से ढक देता हूँ, ताकि ये कुक हो जाए आराम से। स्लो कुक हम इसलिए करते हैं ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छे से निकल के आए। अगर फास्ट फास्ट कुक करोगे तो उतना टेस्ट अच्छा नहीं आता। बाकी अब ये तैयार हो गया है, अभी हम इसके लिए एक स्पेशल तरह की ऊपर के डाल मतलब डालने के लिए ना एक चीज़ बनाएंगे, वो भी दिखाते हैं वो क्या है। ऐसे एक फ्राइंग पैन में हम 2 चम्मच जो है घी डालेंगे, और इसके बाद में हम ऐसे हरी मिर्च काट के लंबी लंबी डालेंगे। वैसे तो ये कम उसके होनी चाहिए, लाइक कम तेज गरी, बट अभी हमें मालूम है कैसे अच्छी होगी, टेस्ट को बढ़िया आएगा। इससे ये हमारा रेडी हो गया, और अब हम ये इसके ऊपर ऐसे डालेंगे। इसे क्या है कि इसमें घी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया शानदार वाला आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा चिकन अच्छे से रेडी हो गया, और अब हम इसको बंद कर लेते हैं। ये देखो इस तरह से बनेगा, इतना बढ़िया लग रहा है, एकदम डिलीशियस। खाने का मन कर रहा है ना एकदम से।
ये देखो बढ़िया सा चिकन तैयार है, अब इसको हम खाने लगे बढ़िया सी तंदूरी रोटी के साथ में, और साथ में राइस भी है वैसे, मुझे रोटी के साथ अच्छा लगेगा, बाकी करी तो है राइस भी जरूर अच्छी लगती है। अगर आपको ये चिकन की रेसिपी पसंद आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में भी जरूर लिखें। थैंक यू, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।